और यहाँ से नीचे सभी लोग हल चला के रखे हैं, हार जोतना ना, ये वाले में हार जुताई नहीं हुआ है, हल चलाया नहीं गया है। क्या सब बोले जाता है यार, मेरे समझ से परे। हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, बहुत दिन से ना अपने चैनल पे वीडियो बना के नहीं डाल रहे हैं यार, थोड़ा सा मैं अपने ही आप में खोए रहता हूँ, करता ही नहीं हूँ, मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया है, इधर उधर काम पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। एग्ज़ाम देकर 20 तारीख को आए थे भोपाल से, तो अभी अपने गांव में हैं भाई। अभी जुलाई का महीना चल रहा है ना, तो देख सकते हैं हरियाली, घास वगैरह सब अभी दिख रहे हैं। पहले गर्मी के मौसम में ना घास भी नहीं थे, और ये देख सकते हैं धान, धान के पौधे, गाछी बोलते हैं क्या, क्या सब बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता है हिंदी और अपना जो लैंग्वेज होता है ना खोटा, दोनों मिक्स करके बोलते हैं, तो भाई क्या सब बोले समझ में नहीं आता है। तो अभी अपने खेत को देखने जा रहा हूँ, सुबह उस खेत में हल चलाना है। सो यहाँ पे एक बांध भी है ये वाली, और इधर देख सकते हैं बारी वगैरह, पौधे वगैरह सब लगे हैं गाइस। पौधे बोलते हैं ना, लौवा लौवा, लौकी लौकी का पौधा है, और नींबू का पेड़ एक वाली, तो ऐसा कुछ है। और इधर देख सकते हैं मकई का खेती, कुछ इस तरह है हम लोग के गांव का नज़ारा, विलेज विलेज बोलते हैं इंग्लिश से। बाकी अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे होंगे, अभी थोड़ा सा बारिश हुआ था तो उसके बाद बारिश चली गई है। यहाँ पे देख सकते हैं भाई कौन कौन से पौधे हैं, भिंडी भिंडी है ये वाली शायद, और यहाँ से नीचे भाई मेरे बाल ना बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, कटवानी पड़ेगी सैलून में जाके। ये वाली खेत मेरी है ये वाली, इसमें हल नहीं चली तो हरा भरा दिख रहा है। ये वाली खेत में सभी हल चलाए गए हैं, जो हरा भरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इस वाले खेत में घास है, जो ये वाला खेत मेरा है इसमें हल चलाएंगे ये वाले खेत में, और बाकी सब देख सकते हैं इसमें सभी लोग हल चला के रखे हैं, हार जोतना ना, ये वाले में हार जुताई नहीं हुआ है, हल चलाया नहीं गया है। क्या सब बोले जाता है यार, मेरे समझ से परे। नहीं नहीं जानते हैं बोलने के लिए, बट क्या कहें समझ में नहीं आता, कुछ अलग ही मज़ा है गांव का। गर्मी के मौसम में तो उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगता है, बट इस समय ना अच्छा लगता है गैस इधर उधर चलने फिरने में, लेकिन जब बारिश हो जाता ना तो साला बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है, उसमें बारिश आने से भीग जाते हैं, और बारिश भी आता है ना तो अच्छा भी लगता है। बारिश आने से पेड़ पौधे खेत ऊत जो भी सारे हो हरे भरे दिखते हैं, और हवाएं भी अच्छी चलती है, तो कुछ ऐसा फंडा है गांव का। और दूसरा ये रहा एक बांध तालाब वाली, पानी जरा सा है, गर्मी का सीज़न था ना तो पानी काफ़ी नीचे चला गया है। यहाँ पे एक मेरा एक खेत है, इस वाले खेत को भी जोतना है, धान रुपाई होता ना उसमें ना इस वाले खेत में ना पैर पूरा अंदर तक चल जाता है, घुटने तक चल जाता है। इस वाले खेत का जुताई करना है, हल चलाना है, ये वाले खेत मेरा है जो हरा भरा दिख रहा है घासों से। बगल वाले दो खेत हैं जो चाचा जी का है ना ये वाले, मेरे बाल ने बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, कटवाने पड़ेंगे यार, थोड़ा सा माइंड ना बहुत ज़्यादा बाल होने से थोड़ा सा अलग सा लगता है। वो लोग कैसे रह पाते हैं जिनके बाल पूरे लंबे लंबे होते हैं गाइस यार मेरा मतलब ज़रा सा बाल बढ़ जाते हैं थोड़े बहुत बहुत हैं, तो थोड़ा सा अलग ही फील होता है, लेकिन बाल जब कटवा देंगे ना तो हल्का थोड़ा लगता है माइंड भर जाएगा ना तालाब पूरा, तो उसमें गाइस पूरा नहाने में मज़ा ही आ जाता है, क्या ही बोले। बाकी सब खेत वगैरह देख सकते हैं इधर का, यार मैं ही अपना खेत नहीं जोता हूँ, इधर मेरा दो खेत हैं, एक ये वाली है
एक वहाँ पे एक थी वहाँ पे, वो वाली बड़ी है, ये वाली खेत में जुताई नहीं हुआ है, हल चलाया नहीं गया, ये वाली खेत में तो हल नहीं चलाया गया ना, तो मस्त दिख रहा है भाई, कितना खूबसूरत है ना, हरा भरा और बगल में पेड़, हरियाली मस्त है इधर, सभी खेत वगैरह सब जोत लिए हैं गाइस। मैंने अभी तक 3 खेत जोता हूँ अपना, मतलब 3 खेत में हल चलाया हूँ, बाकी बहुत बहुत सारे बचे हैं अभी, हल चला के रखेंगे तो जिस समय बारिश पूरा आएगा ना, तो उस समय दोबारा हल चलाने से कीचड़ हो सके, उसी को कादो बोलते हैं ना। ये वाली ईंटे का भट्ट देख सकते हैं, और अगल बगल में खेत हैं जिसमें हल चल चुके हैं, ये वाली खेत अपने भाई का है, और यहाँ का हल देख सकते हैं कुछ इस तरह सा होता है, ये वाली ऐसा होता है हल, हार हार बोलते हैं हम लोग, हार हार है ना, तो हार जोतना बोलते हैं, और हल हल चलाना जुताई करना, ऐसा कुछ शब्द है बोलने के लिए गाइस। देख सकते हैं ईंटें और भट्ट भी, भट्ट बोलते हैं ना, भटुआ। हाँ यार मेरे बोलने का तरीका कुछ अजीब सा ही है, तो अभी अपने घर तरफ जाएंगे अब, और शाम भी होने वाली है थोड़े समय बाद, और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट करने से थोड़ा मैं खुश रहूँगा। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय। चलते चलते बहुत दूर तक आ गए हैं, क्या बोलते हैं।